डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर की पुस्तक बुनियादां दा लेख है बहादुरां दी सवारी घोड़ा। घोड़े दी सवारी नाल आज़ादी दा सुआदला अनुभव हुंदा है। मनुख विच जिहो जी दलेरी तसली प्रसन्नता ते स्वै विश्वास घोड़ा उपजाउंदा है उहदी कोई रीस नहीं। कोई समां सी जदों पुरश नूं मर्द अखवाउण लई उहदा घोड़सवार होना पहली शर्त हुंदी सी। मनुखी सभ्यता का इतिहास घोड़े की पिठ से उकरिया होया है ते मनुख नूं सभ्यक ते बहादुर बनाउण दा सेहरा घोड़े दे सिर बजदा है। घोड़े तो भाव है फुरतीलापन, रफ्तार, आग्या पालन ते वफादारी। कुत्ता मनुख प्रति वफादार है पर घोड़ा मनुख दा भरोसेमंद साथी भी है। घोड़े की तेज़ रफ्तार शेर ते चीते की सिरजी हुई है जिन्हां तों बचण लई घोड़े ने तेज़ दौड़न की योग्यता उपजाई। घोड़ा बड़ी संतुलित सवारी है, यह सवार नूं डिगण नहीं दिंदी। घोड़ा मनुख च डर भौ कढ के उहनूं दलेर ते साहसी बणाउंदा है। घोड़े की सवारी विकलांगा ते मंदबुद्धि वाले रोगियों लई इलाज साबित हुंदी है। इहदी सवारी करदिआं मानसिक रोगी संतुलन ते तालमेल उसार के अरोग हो जांदे हन। इहदी सवारी नाल तौखलियां ते दुचितियां तों छुटकारा मिलदा है ते मनुख च जीवन नूं बदल देण वालियां तब्दीलियां वापरदियां हन। घोड़े ते मनुख दे परस्पर रिश्ते ने दोहां नूं बदलिया है। इस दे संपर्क च आ के पिछ लग मनुख आगू बन जांदे हन। पशुआं विच्चों मनुख नूं केवल शेर ते घोड़ा खवाउणा परवान है। घोड़े मुख तौर ते तीन प्रकार दे हुंदे हन। ठंडे लहू वाले घोड़े, हौली चलण वाले। हौली चलण कारण खेती ते भार ढोण लई वरते जांदे हन। निघे लहू वाले घोड़े मनोरंजन खेडां ते सवारी लई वरते जांदे हन ते गर्म लहू वाले घोड़े फुरतीले बहादुर ते अणथक होण कारण शिकार घोड़दौड़ ते मुकाबलियां लई वरते जांदे हन। अजोकियां ओलंपिक खेडां च लगभग 20 गोल्ड मैडल घोड़ियां दीआं खेडां ते करतबां नाल संबंधित हन। घोड़ियां दीआं दौड़ां वड्डे शहरां च करोड़ां दीआं शर्तां वाले लखां लोकां दे मनोरंजन ते हज़ारां लोकां लई रुज़गार दा वसीला हन। अजोके दौर च घोड़े नालों संपर्क टुट जाण कारण मनुख च इंसानी गुणा की घाट नज़र आउंदी है। घोड़ा ते घोड़सवार एक दूजे का विश्वास जितते रहे हैं। जो तसली मनुख नूं घोड़े की सवारी तो मिलती है मोटरसाइकिल जां कार तो नहीं मिलती। घोड़े ते बैठा सवार असल नालों चंगेरा उच्चा ते रूप वाला दिसदा है जदों कि कार च बैठा व्यक्ति असल नालों नीवां सुंगड़िया ते दुबकिया होया प्रतीत हुंदा है। एक सदी पहलां तक जदों घोड़ियां घोड़ियां ते सवार हो के जवान निकलते सन तो अपनियां प्रेमकावां दीआं घट ते घोड़ियां दीआं गल्लां वधेरे करदे सन। उदों साहिबां वर्गियां मिर्जे वर्गे घोड़सवारां नाल उदलण दी रीझ पालदियां सन। तेज़ दौड़न वाली घोड़ी ते उछलदे उहनां दे शरीर जदों आपस च भिड़दे सन तां उहनां नूं असमान जिन्ने उच्चे झूटियां दा आनंद आउंदा सी। इसे लई घोड़े साडे लोक गीतां ते लोक कहानियां दे नायक बणे हन। जिन्हां ने घोड़े की सवारी नहीं की वह अपने आप को पुरश तक हा सकते हैं पर मर्द नहीं अखवा सकते। घोड़ा डर उत्ते हसद आलस का इनू पता ही नहीं। नगारा वजदा हो लत्तां फरकन लग पैंदियां। यह आप बहादुर है सो ये दलेर सवारी नू ही पसंद करता है। ये पहाड़ जां जंगल चो अपने गुआचे मालक नू लभ लिया ते मालक की मुसीबत नू अपनी मुसीबत बना लैंदा है। अपनी जान नूं किसी भी खतरे की परवाह ना करदिआं यह हर स्थिति च अपने मालक दे हरेक हुक्म नूं मनदा है। संसार ते राज करन वाले यूरप दे सारे शाही घराणे हुण भी घोड़े पालदे ते घोड़सवारी करदे हन। 4 तों 16 घोड़ियां वाली बग्घी संसार च बादशाहां ते महाराणियां दी सल्तनत दा आकार दसदी रही है। घोड़े दी काठी संतुलन लई ते लगाम कंट्रोल लई हुंदी है। जिहड़ी इस्त्री घोड़ा कंट्रोल कर लैंदी है डर भौ तों मुक्त होण कारण उहनूं पति दीआं लगामां खिचणियां वी आ जांदियां हन। अजिहीआं इस्त्रियां मर्दां दीआं आगू बणदियां हन। रज़िया सुल्तान ते राणी झांसी निपुण घोड़सवार सन। निपुण घोड़सवार फौज युद्ध दा पासा पलट दिंदी रही है। सिकंदर कोल 10,000 बहादुरां दी घोड़सवार फौज सी।
सिकंदर ने अपने जीवन च हरेक लड़ाई इस पैंतड़े नाल जित्ती सी कि हौली हौली लड़ाई नू फैसला कुन मोड़ ते लिया के युद्ध दे मैदान च अपनी घोड़सवार फौज उतारदा सी जिहड़ी सिकंदर दी जित सिरज दिंदी सी। सिकंदर दे घोड़े खंभां तों बिना उड़दे सन, तलवारां तों बिना लड़दे सन, उह दिस हद्दियां नू नेड़े लिया के असमान नू धरती ते उतार दिंदे सन। घोड़ियां दी रफ्तार घोड़सवारां दी रफ्तार बन जांदी सी। घोड़े ते चढ़िया आउंदा नैपोलियन 75,000 हथियारबंद फौजियां दे बराबर समझिया जांदा सी। जे किसी व्यक्ति च घोड़े ते बह के स्वै विश्वास नहीं उपजदा तां इह होर किसी ढंग नाल नहीं उपजेगा। संसार दे प्रसिद्ध योधे ते जरनैल बचपन विच ही घोड़सवारी करन लग पए सन, उन्हां वांग उन्हां दे घोड़े भी प्रसिद्ध सन। सिकंदर वांग नैपोलियन, गुरु गोबिंद सिंह, अब्दाली, महाराजा रणजीत सिंह आदि आप घोड़सवार तां सन ही, इह घोड़ियां दे पारखू भी सन। बादशाहां ते बहादुरां नूं लोक चंगे घोड़े भेट करदे रहे हन। मनुखी समाज दे विकास च घोड़े दा योगदान वडमुल्ला है। मनुख ने घोड़ियां नाल होर पशुआं दे जड़ां नूं काबू करना सिखिया है। खेती व्यवस्था तो पहला मनुख कोल उहदा केवल शरीरक बल सी, जिस कारण उह 4-5 मील दे घेरे च विचरदा सी। खेती व्यवस्था उदों संभव हुई जदों मनुख ने अपने शरीरक बल दे नाल पशु बल वरतना आरंभ किया। तो घोड़ा वरत के मनुख ने अपना अनुभव खेत्र 40-50 मील विशाल कर लिया। तो घोड़े के सहयोग नाल मनुख ने ऊठा, हाथियां, बलदा, गऊं, मझां नूं साधना ते सांभना आरंभिया। घोड़े के साथ नाल मनुख का कारज खेत्र फैलिया ते मनुख दे आले दुआले विच विचरन ते इनू बदलन की समर्था वधी। घोड़े की सवारी करदिया मनुख ने नवीं धरतियां लभियां। संसार दे बहुते पहाड़ी शहरां ते अजोके डैमां दी उसारी वास्ते थावां दी निशानदेही घोड़सवारां ने कीती है। भारत विच शिमले ते भाखड़ा डैम दे स्थान नूं अंग्रेज़ घोड़सवारां ने सांभिया सी। घोड़ा साडे सभ्याचार दा वी अंग है। विआह समें लाड़ा घोड़ी ते चढ़ के राजे जां राजकुमार वांग आउंदा है। लाड़ा घोड़ी ते इस लई बिठाया जांदा है ताकि उहदे मर्द होण ते उहदी समुची सेध दी तसदीक हो जाए। जे लाड़े दे गोडे, मोढे, हथ, कूणी, लत्त, पैर च कोई नुक्स होएगा वह घोड़ी तो उतर नहीं सकेगा, डिगेगा। घोड़े च बड़ी ताकत हुंदी है, इनू ताकतवर व्यक्ति ही काबू कर सकता है। मध्यकाल च घोड़े आबादियां च रखे जाण लग पए सन। उन्हां समयां च दूर दुराडियां थावां ते जाण लई घोड़ा इकमात्र भरोसेयोग साधन होया करदा सी। युद्ध दे मैदान च योधे घोड़ियां ते जांदे सन ते उन्हां दी जित दे जलूस हाथियां ते निकलदे सन, जिन्हां दे अगे कोतल घोड़े चलदे सन। उस समय जिस कोल चंगा घोड़ा जां घोड़ी हुंदी सी उस मालक दा सिर इक गिठ उच्चा हो जांदा सी। पंजाब च घोड़ी जट दी शान हुंदी सी। जदों कोई शौकीन जट रेशमी डोरियां नाल सजी हुई घोड़ी ते चढ़ के मेले जांदा सी तां सारा मेला उहदे मगर लग जांदा सी। घोड़ियां ते जांदी बरात किसी महाराजे की फौज लगती सी। जट नूं भावें जमीन वेचनी पई वह घोड़ी चंगी रखता सी। चंगी घोड़ी इन्नी रवान दौड़ती सी कि सवारी करदियां तली ते रखी पानी की कटोरी चों एक बूंद भी नहीं डुलदी सी। उस समय कई व्यक्ति घोड़ियां दे पारखू होण कारण प्रसिद्ध हो जांदे सन। एक वारी एक पारखू अन्ना हो गया, पर फिर भी लोग घोड़ी घोड़ा खरीदन वास्ते उन्हूं नाल लै जांदे सन ते उह हथ फेर के घोड़े जां घोड़ी दे लक्षण दस दिंदा सी। नामी डाकुआं वांग उन्हां दीआं घोड़ियां भी प्रसिद्ध सन। कईआं नूं अपनी घोड़ी औलाद नालों भी वधेरे प्यारी लगदी सी। एक वारी एक जट दी घोड़ी दरिया कंढे चरदी हुई पैर तिलकण करके पानी च डिग पई ते कन्नां च पानी पैण कारण मर गई। मालक नूं इन्ना सदमा लगा कि उह पागल हो गया ते पिंड चो लंघदी हर घोड़ी मगर मेरी घोड़ी, मेरी घोड़ी पुकारदा दौड़न लग पिया ते कुछ महीने मगरों मर गया। अपनी घोड़ी नाल इकट्ठियां मरन दी उहदी रीझ अधूरी रह गई सी। घोड़े दीआं आदतां ते लक्षण उहनूं हर किसे दी पसंद बना दिंदे हन। मालक नूं छड़ के घोड़ा घर नहीं मुड़दा, लभ के लै के मुड़दा है। घोड़ा चंगे मालक दा हर समय साथ मानण लई तांगदा है। मालक नूं अपनी गल अपनियां शरीरक हरकतां नाल समझाउंदा है। घोड़ा भरवीं आवाज़ वाले मालक नूं वधेरे पसंद करदा है। ये होरां नूं अपने कन्न, नक्क ते नज़र राहीं पछाणदा है।
ਜੇ ਘੋੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਮਾਲਕ ਅਕਸਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਕਰੋੜ ਘੋੜੇ ਅਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਖੱਚਰਾਂ ਅਤੇ ਟੱਟੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਧੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਨ। ਟੱਟੂ ਅਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਘੋੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚੋਂ ਜਨਮਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਖੱਚਰ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਸਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਟੱਟੂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਤੱਵ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਸੈਂਟ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ 750 ਵਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੋੜੇ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੱਗ। ਘੋੜੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰ ਸਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਤੋਲਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਲੱਛਣ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੌਰਾਨ 105 ਘੋੜੇ ਗੁਆ ਕੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੀਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ 105 ਘੋੜੇ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਲਤੀ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਲਾੜਾ ਸੋਹਣੀ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਿਹਰਾ ਆਦਿ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੋੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੇਰੇ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡੋਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾੜੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਵਧੇਰੇ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਸਦੇ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਨਸਪਤੀ, ਜਵੀ, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਖੁਰਾਕ ਹਨ। ਮੈਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਕਈ ਘੋੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬੂਟੇ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਣੇਪਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 25-30 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਘੋੜਾ ਅਕਸਰ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਹ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਜੜੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਝੁੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਜੜ 'ਚ ਘੋੜੇ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ। ਨੱਕ ਵਰਤ ਕੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਖੇੜ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦੌੜਨ ਜਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਇਹ ਝੱਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ 1-1, 2-2 ਅਤੇ 4 ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ 15-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਖਰੋਟੀ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੜਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਅਕਸਰ ਅੱਥਰੇ ਪਰ ਘੋੜੀਆਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ 'ਚ ਘੋੜੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਮ ਰਾਹੀਂ ਘੋੜਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਲਗਾਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਘੋੜੇ ਦੀ ਝਿਜਕ ਜਾਂ ਹੌਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਅਨਾੜੀ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾੜੀ ਸਵਾਰ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲਗਾਮਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੱਚਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹਾਦਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸਨ।
लगभग 50 साल पहलां तक घोड़े हरेक जुलूस का भाग होंदे सन। अजोके युग दियां कारां ने घोड़ियां की कदर घटाई है। घोड़े के सभ्याचारक महत्व तो हर कोई जाणू है। जो मैं पढ़दा सी तां मेरे एक जमाती ने छुट्टियां दौरान मैनूं अपने पिंड बुलाया। जो मैं स्टेशन ते उतरिया तां उहदा नौकर सजी हुई घोड़ी लैके खलोता सी। भावें नेड़े ही जाना सी पर नौकर मैनूं घोड़ी ते बैठ के जाण लई कह रहा सी। जो मैं अपने जमाती नूं घोड़ी भेजण दा सबब पुछिया तां उहने दस्सिया, तू पेंडू समाज नूं नहीं समझदा, इसलिए तैनूं हैरानी हो रही है। हुण सारे पिंड नूं पता लग गया कि तू मेरा विशेष मेहमान है। हुण तू मेरा ही नहीं सारे पिंड दा भी मेहमान है। हुण हर कोई तैनूं अपना भी मेहमान समझेगा। घोड़ दौड़ां वाले घोड़ियां दीआं जन्म पत्रियां ते जीवनियां छपदियां हन, जिन्हां नूं पढ़ के लोग उहनां ते शर्तां लाउंदे हन ते हर किसे नूं विश्वास हुंदा कि उस वाला घोड़ा ही अव्वल आएगा। आप बहादुर होण करके घोड़ा बहादुरां दी सवारी है। हुण घोड़े नहीं रहे, इसलिए बहादुर भी नहीं रहे। जिधर गईयां घोड़े घोड़ियां, उधर गईयां दलेरियां बहादुरियां। धन्यवाद।